आमेर फोर्ट का पहला व्यू। मंदिर पहले बना है महल बाद। आज इनकी अरबों रुपए की। केसर गार्डन दिख रहा है। विश्व के 10 दरवाजों में से एक दरवाजा है। आमेर फोर्ट का पहला व्यू टिकट करके बिल्कुल सामने से। राजा मानसिंह ने महल बनाने से पहले मंदिर की स्थापना की, काली माँ का मंदिर। तो मंदिर पहले बना है महल बाद। आइए उधर से लेके चलता हूँ आपको, तो और भी विस्तार से जानकारी। पूरे राजस्थान में सारे मंदिर बंद है, बस फोर्ट खुले हुए हैं। सामने गणपति देख रहे हैं, दिख रहा है गणेश जी? हाँ जी, हाँ। ये मूंगा स्टोन के, क्योंकि राजा लोग राशि के रत्नों का बहुत महत्व समझते थे, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ये मूंगा के 5 किलो वजन है। आज इनकी अरबों रुपए कीमत है। 3 कैमरे लगे हैं, 2 सामने एक इधर, और यहाँ हर वक्त 3 पुलिस वाले तैनात रहते हैं गणेश जी की सुरक्षा के लिए। अरबों रुपए के गणेश जी राशि का रत्न अंगूठी में पहनते हैं मूंगा, वो स्टोन 5 किलो वजन है मूंगा स्टोन। यहाँ पे विजिटर्स की भी एंट्री होती है, और जो हमें गाइड करता है, जैसे गाइड कर रहे हैं हमें, तो उनकी भी एंट्री होती है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद मेन गेट से एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें आपको टिकट दिखानी पड़ती है। टिकट 50 रुपये की है एक बंदे की, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी प्रूफ है तो यही टिकट आपको 5 रुपये में मिलेगी। हाँ सर आइए। दीवाने आम सार्वजनिक सभा भवन, झूमर देख रहे हैं? हाँ जी। इसके नीचे महाराजा मानसिंह का सिंहासन है, इसके दोनों तरफ उनके मिनिस्टर्स मंत्री लोग। डाउन साइड में जो चौक देख रहे हैं वहाँ पब्लिक बैठती है, पब्लिक को जो भी समस्या होती राजा को बताते, राजा उनकी समस्या सॉल्व करते। तो राजा मानसिंह आम जनता की मीटिंग लेते, जनता दरबार में यहाँ बैठे। सफेद पत्थर से देख रहे हैं ये खंबे, मकराना मार्बल के हैं। लाल पत्थर से खंबे देख रहे हैं, ये करौली मार्बल। राजस्थान में करौली जिला है धौलपुर के पास, वहाँ लाल मार्बल निकलता है। और मकराना है नागौर जिले में, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ सफ़ेद मार्बल है, उसको मकराना कहते हैं। बाकी एक व्यू आप यहाँ से पहाड़ी का देख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। 7 से 9 नाइट टूरिज्म, लेकिन वो बंद कर दिया कोरोना के चक्कर। अच्छा, लॉकडाउन भी हुआ। हाँ, लेकिन आप कभी भी आओ, जब खुल जाए तो नाइट टूरिज्म जरूर देखो, इतना गजब लगता है रात को, इतना गजब लगता है। लाइटिंग वगैरह? अरे सर पूरे। वैसे कितने बजे बंद होता है ये? वैसे फिलहाल तो चल रहा है 9 से 1। नहीं नहीं, वैसे लॉकडाउन के बाद या पहले कितने बजे तक खुलता था? सुबह 8 बजे खुलता था, 5:30 बजे बंद होता तो था। उसके लिए अलग टिकट लेनी पड़ती थी? हाँ, नाइट टूरिज्म, ये आपका दिन वाला नहीं चलेगा। हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, उसके लिए अलग टिकट। 7 से 9 कभी भी। ये एक लाइट 2 लाख रुपए की है, अलग अलग कलर, यानी 30 सेकंड में लाल, 30 सेकंड में नीली, 30 सेकंड में हरी, पीली, मल्टी कलर, कई कलर की, अलग अलग बदलती है कलर। अब आपको दिखाता हूँ 27 कचहरी। कचहरी कोर्ट कचहरी लगती थी, किसानों का न्याय होता था, जनता के न्याय होता था, कि जैसे खेत का राजस्व संबंधी, या भाई भाई लड़ मरे कि 5 किलो चांदी को बांटो जी, बहुत सारी चीज़ें अगर गृहस्थी में उनका न्याय यहाँ होता था। तो वहाँ पे किस चीज की लगती थी? वहाँ राजा, फिर आप चक्कर भी तो काटोगे तारीखों पे। अच्छा, जैसे अपन तारीखों में कोर्ट में जाते हैं ना, ऐसे हाँ। फिर तारीखें पड़ेगी किसी भी चीज की, एक दिन में न्याय थोड़ी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वहाँ तो राजा सुनवाई करता, फिर इधर डिपार्टमेंट में आ जाते न्याय। अच्छा, वहाँ पहले वहाँ होता था, उसके बाद यहाँ कचहरी में होता था, यहाँ फिर तारीखें पे तारीखें चलती रहती आई। सामने देखिए सीढ़ियाँ, हाँ, सोल्जर्स के लिए, सोल्जर्स अपने अपने टावर में जाते ड्यूटी करने। अच्छा, ये 12 किलोमीटर में होके सुरक्षा दीवार है चारों तरफ राउंडिंग, 12 किलोमीटर। देखो वहाँ नीचे चली गई, फिर वहाँ निकल गई, फिर वहाँ निकल गई, ऐसे करके 12 किलोमीटर चारों तरफ सुरक्षा दीवार। पहले राजा अपनी जनता,
गांव और अपने महल की सुरक्षा करते थे। ऐसा नहीं कि अपने महल की सुरक्षा करें, जनता की सुरक्षा करें। तो ये गांव है आमेर, आमेर गांव और आमेर महल के चारों तरफ 12 किलोमीटर में अपने सुरक्षा की बनी हुई। ये आमेर गांव यही सर? हाँ, ये सारा आमेर गांव, ये आमेर गांव सारा अंदर सुरक्षा दीवार के अंदर, दीवार के अंदर अंदर वो नया आमेर। अच्छा, वो नया आमेर है। बाकी जो ये दीवार दिख रही है ना आपको, ऐसे जयपुर में है सर, यहाँ तक परकोटे के अंदर है वो ओल्ड जयपुर। ये क्या है जो ये माउंट हजील और केसर गार्डन सामने, ये सामने आपको केसर गार्डन दिख रहा है, केसर गार्डन है और ये माउंट हजील। विश्व के 10 दरवाजों में से एक दरवाजा है गणेशपुर। विश्व के 10 दरवाजों में गिनती है गणेश फॉल की। अच्छा जी, वो गणेश जी रहे। हाँ जी, उसको गणेश फॉल, गणेश फॉल, फॉल, फॉल में दरवाजा। अच्छा, हमारे आमेर की ढूंढाड़ी भाषा। अच्छा जी, हमारे आमेर की हिंदी भाषा नहीं है, जयपुर की हिंदी भाषा नहीं है, ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी ओढ़ जा रही हो जाए, काय कर रही हो जाए। अच्छा जी, जयपुर जाओ लोग आ रहे भाई, ढूंढाड़ी भाषा, हम हिंदी नहीं बोलते, ये ढूंढाड़ी भाषा। तो पोल मीन्स दरवाजा, पोला, देखिए इसके अंदर पोला है, यानी खाली जगह को पोला कहते हैं। ठीक है, तो खाली जगह दरवाजा। नो 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 नो, गेट, दरवाजा, क्योंकि अभी इसके अंदर अपन जा रहे हैं राजा रानी का रेजिडेंसीस महल। यहाँ तक राजा रानी गणेश पोल तक आम जनता आ सकती है, इसके आके नो एंट्री आम जनता की। राजा रानी, उनकी लेडीज सर्वेंट और किन्नर, किन्नर जानते हैं जी, केवल अंदर जेंट्स को नो एंट्री। किन्नर, इसका फोटो लो, किन्नर जा सकते हैं, किन्नर ही रहते थे सेवा के लिए। अच्छा, गार्ड्स किन्नर होते थे, लेडीज अंदर से नहीं होते थे। कैसे यार, रानी को कोई देख ही नहीं सकता, पर्दा पर्दा था। तो किन्नर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, किन्नर से तो आज भी कोई किसी को प्रॉब्लम। इसका लिया फोटो, बहुत अच्छी चीज है। विश्व के 10 दरवाजों में से एक दरवाजा। यहाँ ऊपर चाबी लगती थी, ये लोग 400 वर्ष पुराना, ये दोनों दरवाजे 400 वर्ष पुराने, 400 वर्ष है, 400। नहीं, नीचे लकड़ी है, ऊपर पीतल की परत। शीश महल राजा ने रानियों के लिए बनवाया, क्यों बनवाया, कि रानी का चेहरा राजा को हर शीशे में दिखाई देता था। मेरा हाथ देखो, दिख रहा जी, दिख रहा है। हाँ जी, तो 400 साल पहले बहुत ज्यादा चमक थी इसकी, आज चमक भी की पड़ गई, फिर भी दिख रहा है, देखो आप सब में दिख रहा है, सब में दिख रहा है। अब इसका फोटो निकालो सामने से, ये अपन साइड, तो ये उसके बाद चेंज नहीं हुआ वैसा का वैसा तब से, कैसे करेंगे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरानी चीजों की देखभाल करना, रख रखाव करना। जैसे ये टूट गया, मान लो ये चीज टूट गई, तो इसको रिपेयर करेंगे इसी चीज से, मकराना मार्बल ही आना चाहिए। ये मेन दरवाजा है, राजा रानी इधर से आना चाहिए। आज भी वहाँ देखो लगे आज भी पर्दों के लिए, कहाँ पे। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ये हुक लगा हुआ पर्दे के लिए। अगर देख पा रहे हो तो ये पूरा शीश महल है, अगर देख पा रहे हो ये पूरा शीश महल है, जिसके बारे में भी आपको शायद पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा क्या चीज है। कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? जोधा अकबर, जोधा अकबर की, 2008 में, 2008 में। आशुतोष गोवारिकर,
ये थी वो लोकेशन भाई 2008 में हुई थी, जो तलवारबाजी का सीन हुआ था यहाँ पे सारा। जो महारानी की दासियाँ थी वो भी अपने आप में महारानी समझती थी, क्योंकि महारानी के पास जॉब लगना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो ये सब लेडीज से मिलता है, इधर भी इस तरह से ये सब लेडीज से मिलता है। आज सीसीटी बन गया, इसलिए समय राजा आदमी अपने परिवार से ही इधर से निकल जाते हैं, दुश्मन को पता नहीं। ये सुरंग है जयगढ़ जाती है, जयगढ़ सीधी जयगढ़ जाती है, कितना दूर है। और जैसे ये ओपन भी होती है, जैसे आप लॉकडाउन में नहीं आते और सामान्य में आते तो आप यहाँ से जयगढ़ जा सकते थे इस रास्ते से। जी पहला वीक बंद थी, नहीं आया हम, वो खुल रही थी, हमने देखी को ना। नहीं कब आए यार, दो तीन तीन साल पहले आए थे यार, खुली रहती है, हम तो यहाँ गए। तो ये कितने किलोमीटर की है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप जयगढ़ जा सकते हैं, उस साइड से भी मिलेगा देखने को। हाँ उस साइड से, रोड की साइड से आप जाएंगे, इस साइड से डायरेक्ट जाओ। जो वो दिखाती था ना, ये थी भाई सुरंग, जयगढ़ जा सकते थे। ये मेनली जब आक्रमण होता ना उस टाइम पे काम आती थी कढ़ाई। इसके विषय में बताइए कुछ। मीना बाजार मटका, ये किस चीज का? ये काली मिट्टी कंक्रीट का, काली मिट्टी का है, नहीं नीचे का। हां वो तो दिखा, इसको कैसे काम में लेते थे, इसको सीधा करते थे, आधा जमीन में डालते थे, पानी करते थे, पानी ठंडा करते थे, आधा जमीन में करता था ये, और चारों तरफ मिट्टी रखते थे, इसको पानी से ठंडा रखते थे, कूलर। ये जेल है, 1, 2, 3 जेल है। 3 जेल है। तो जो भी अपराधी है उनको यहाँ पहरेदार, इसमें पहरेदार, इसमें पहरेदार खड़ा रहता था। ये जेल है भाई, अभी तो बिजली का कुछ वो बना रखा है। जेल से कैदी आते हुए बाहर, मिस्टर इंद्रपाल सिंह, 1, 2 ये भी जेल, ये भी जेल है, इसमें ट्रांसफॉर्मर है। नहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं, इधर क्या है? हाँ मेरे गांव है ये, किस साइड, किस साइड लेना है? हाँ मेरे गांव की तरफ जाते हुए, हाँ मेरे फोर्ट देख लिया, आप थोड़े बहुत जानकारी आमेर गांव के बारे में लेंगे वहां के लोकल से जो कि हमारे साथ हैं एज ए गाइड। अच्छा जी, अंदर से भी फोटो लेना भाई साहब, ये 400 साल पुराना आज मैं तो दिखाने जा रहा हूँ ना, ये विलेज एरिया है, यहाँ पे 800 फैमिली है, उनको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखा है, प्रमोट करने के लिए रोजगार दे रखा है, किसी के छपाई का काम होता है, किसी के बुनाई का काम होता है, इसी तरीके से अलग अलग ड्रेस का काम होता है। ये कलर देख रहे हैं ना सर, ये सभी वेजिटेबल डाई के कलर होते हैं, ये साग सब्जी वेजिटेबल से बनता है। जो ये पीला कलर देख रहे हैं, ये नींबू के छिलके से, सूरजमुखी के फ्लावर से, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, ये मेथी, बथुए, पालक से तैयार होता है। जो
जो ये येलो कलर देख रहे हैं, ये नींबू के छिलके से, हल्दी से, सूरजमुखी के फ्लावर से तैयार होते हैं। देखिए सर, सब फर्स्ट ब्लॉक होता है जो मास्टर ब्लॉक होता है, टेबल पे 6-7 मीटर का कपड़ा होता है। अभी इसमें कलर डाला, ये 6-7 घंटे इसमें डुबा हुआ रहेगा तो और भी ज़्यादा डार्क कलर होगा। रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। इसी में कलर भरने के लिए ये सेकंड ब्लॉक यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, नींबू के छिलके से, सूरजमुखी के फ्लावर से, हल्दी से, चूने से, जो भी वेजिटेबल डाई होता है उनके कलर को उससे तैयार, इनको एक टैंक में डाला जाता है, खड़ा मिला के इन्हीं से बेडशीट पे, सलवार सूट पे, साड़ी पे ब्लॉक पेंटिंग का काम होता है। अब इसी कपड़े के अंदर कलर भरने के लिए हम ये सॉल्ट लेते हैं, जो हर्बल सॉल्ट होता है। अगर हम किसी कपड़े पे डालते हैं, वॉश करते हैं, तो किसी दूसरे पे चढ़ता नहीं है। अच्छा, जो भी चीज़ यहाँ से लेते हैं इस संस्था से, तो सभी गारंटेड होती है। कपड़ा मैंने डाला, कपड़े का बैकग्राउंड चेंज हो गया और जहाँ पे मैंने प्रिंट किया है वहाँ पे ही चढ़ेगा। ये होता है वेजिटेबल डाई ब्लॉक पैकेट, वुडन ब्लॉक पैकेट। 6-7 मिनट इसमें डुबाव रहेगा, इसको और भी पक्का करने के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे और डाबू मिट्टी पे सुखा देंगे। कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर कहीं नहीं जाएगा। कितनी बार भी धुल लो कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। कितने दिन तक रहेगा? लगाएंगे ना तो भी कलर नहीं निकला। इसको और भी पक्का करने के लिए हम डाबू मिट्टी पे सुखा देंगे तो ये और भी पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से गाँव वालों ने 100 ग्राम का रखा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। एक दूसरा होता है महारानी साड़ी, तीसरा ड्रेस मटेरियल आपके लिए, लेदर शूज वगैरह है, हैंडीक्राफ्ट आइटम है, बैंगल्स वगैरह है, मीनाकारी के जेम्स एंड ज्वेलरी है। आई अंदर